बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निज़ाम व्लॉग। जैसे कि गाइस अभी सहरी का टाइम हो चुका है और हम से उठ के निकल के आए हैं और हमारा सहरी भी तैयार है। हम सहरी करेंगे, सहरी के बाद नमाज का अज़ान का इंतजार करेंगे, फिर नमाज पे जाएंगे, नमाज पढ़ के आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर हो जाएंगे, उसके बाद हमें आज गांव भी जाना है क्योंकि तारीख गाँव गाँव में कहनी है, फिर रात को वापस आना है। हाला अभी हमारी सैरी करी है, अभी ज़्यादा इंतजार नहीं करते, सैरी करते फिर गाँव में। सैरी में है जैसे कि पराठा, अंडा, दही, पानी और एक कप चाय का। अब हम करेंगे सहरी, फिर हम लेंगे सहरी के बाद। तो व्यूअर्स, मैंने सहरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पी रहा हूँ चाय। अभी टाइम नहीं हो रहा, अभी आधा घंटा पड़ा है। थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ, फजर का टाइम है, मेरे घर से थोड़ा बाहर आपको दिखाता हूँ, फिर जब तक नमाज का टाइम हो जाए तब तक आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि फजर के टाइम क्या होता है बाहर, क्या नहीं होता, और लोग कैसे बाहर निकलते हैं घरों से नमाज के लिए, इबादत के लिए। और रमज़ान में तो इतनी बरकतें होती है, इतनी बरकतें होती है कि शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी करने में बहुत मज़ा आता है। खाना लोग कम खाते हैं क्योंकि सहरी में नहीं चूट के इतना खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सहरी करने में बहुत मज़ा आता है बहुत। रमज़ान ऐसा महीना है कि हर किसी को मौका मिलता है इबादत करने का, तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह उनको भी हिदायत दे के वो भी इस महीने में, रमज़ान के महीने में नमाज़ें पढ़े, इबादत करें, कुरान पढ़े, क्योंकि यही महीना हमको मिलता है इबादत के लिए, रोज़े रखें। वैसे तो फ़र्ज़ तो हम पे है, पांचों वक्त नमाज़ अदा करने का फ़र्ज़ है हम पे, लेकिन ये बरकतों वाला महीना है, इसमें हम इसमें मतलब हमें मौका मिल जाता है इबादत करने का, रोज़े रखने का, कुरान पाक पढ़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौका मिल जाता है कि लोग हर काम छोड़ के रोज़ा रखे, इबादत करे, कुरान पाक पढ़े, और बहुत सुकून होता है इस महीने में, जितनी बरकतें होती है इतना सुकून होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहरी हमने कंप्लीट कर लिए और अब हम बाहर का भी थोड़ा दिखाएंगे, फिर जाएंगे नमाज पर, नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे, फिर कुरान का दौर करेंगे, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर हम चले जाएँगे गाँव, फिर मिलेंगे कल शाम को। हम अभी बाहर के लिए निकल रहे हैं, हम बाहर थोड़ा आपको व्यू दिखाते हैं, फिर आप ही के घर जाएंगे, और आप ही के घर जाएंगे, भाई उधर है, उसको भी लेके जाना है नमाज़ पे, क्योंकि बाहर अंधेरा होता है, उनको डर लगता है क्योंकि मस्जिद थोड़ी दूर है, इसलिए उनको भी लेके जाने जाना है। आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। देखो कितना अंधेरा है बाहर, रोशनी नहीं होती। ये गूंगा सोया हुआ है, बात करता है लेकिन इसका नाम गूंगा है, इसकी नींद अभी ख़राब नहीं करते, नमाज पढ़ के आते फिर इसको उठाते क्योंकि ये दुकान खुलेगा। के घर पे पहुंच चुका हूँ, अब जाते हैं अंदर, देखते हैं किस किसने रोजा रखा।
A few moments later. तो अभी बस हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं वापस. फिर सो जाएंगे. उसके बाद हम चले जाएंगे गाँव जाके. फिर कल शाम को वापस आ जाएंगे. इस ब्लॉग को एड करते हैं. कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ इस तारीख के टाइम पे. और हम इजाज़त चाहते हैं. और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहरबानी करो, और शेयर करो, लाइक करो. और प्लीज़ मेहरबानी करो यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कम से कम हमें सब्सक्राइब तो करो. ओके, अल्लाह हाफिज़. कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ.